दोस्तों और बुजुर्गों, इम्तियाज जलील और हम जब पार्लियामेंट में गए, ओथ हासिल किए, हल्फ लिए, इम्तियाज साहब महाराष्ट्र का आया ले लिए, इम्तियाज साहब मेरे बाजू बैठ के बोले, असद साहब अब क्या होगा? बड़ी जालिम मुस्कुराहट है, नहीं मालूम कितनों पर उसको कुर्बान होना पड़ा। एक और दास्तान है इनकी और डॉक्टर खादरी की, बाद में बताऊंगा, बहुत लंबा है, अभी नहीं, नॉट दिस इज नॉट द टाइम, टाइम विल कम एंड आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल, कंप्लीट डिटेल द एक्सप्लॉइट्स ऑफ इम्तियाज जलील एंड डॉक्टर खादरी। कैरमोत लेने गए, अब इम्तियाज साहब को बड़ी बेचैनी थी, ज्यादा नान खलिया खाते ना, बोले क्या होगा क्या होगा क्या होगा, अल्लाह बैठो देखो आप, बोले क्या देखो, हमारा नाम पुकारे, जालिम का नाम पुकारे, अब हम जैसा दो कदम रखे शुरू हो गए बीजेपी शिवसेना वाले, हमको देखते कि नारे मार रहे, मैं बोला बहुत अच्छा कर रहा हूं, बातिल तूफानों को पाएंगे, मतलब मेरे को देख के तुमको तुम्हारा वो याद आता है, तो मैं क्या हुआ, बोले पुकारो, मतलब पुकारो और पुकारो, क्योंकि अब तुम्हारा महबूब आया है मैदान में, पुकारो, जैसा हम औरंगाबाद को आए तो पुकार रहे और पुकारो, याद रखो तुम्हारी पुकार से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हम गए नारे मारे, मैं बोला ठीक है, सबर करता गया करता गया, उसके बाद में अपना भी, मैं बोला अरे बहुत हो गया प्यारे, इन्हें समझ रहे हम गुंगे हैं, मैंने ओत लिया अखलाक और आदाब के दायरे में रहकर, उसके बाद मैंने कहा जय भीम, बोले क्या है, मेला अब सुनो जय भीम, बोले ये क्या है, मेला ये तूफान अब खड़ा होगा इंशाअल्लाह ताला, जय भीम और जय भीम का। उसके बाद मैं बोला कर्जा बाकी है अभी, तो हमने सोचा क्यों नहीं हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में एक और नारा हो जाए, क्या नारा लगाया हमने, मैंने लगाया तुम लगा रहे, क्या नारा था वो, क्या नारा था वो, क्या नारा था वो, अरे जोर से बोलो, आओ जोर से बोलो, पुकार कर बोलो, अब जरा सुन।